हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्निकल मऊ यूट्यूब हिंदी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 4 मंथ पहले कैसे रेलवे टिकट बुकिंग करें, यानी रिजर्वेशन कैसे करें, वो भी अपने ही मोबाइल फ़ोन से, ना कि कहीं जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको लाइन में लगने की ज़रूरत है। अब 4 मंथ पहले ही अब ओपनिंग टिकट जो होता है, रिजर्वेशन टिकट, अपने फ़ोन से ही आप बुक कर सकते हैं। और साथ में यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियो का अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, 4 मंथ पहले टिकट बुक करने के लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशन और काफ़ी सारी सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन मैं आपको जेन्युइन तरीका बताऊँगा कि कैसे आपको अपना टिकट बुक करना है बिल्कुल आसानी से, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज, आप वहां से बिल्कुल आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, IRCTC, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या गूगल क्रोम पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये IRCTC का एप्लीकेशन मिल जाएगा। यदि आप इस एप्लीकेशन पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन ID बनानी पड़ेगी, यानी एक ID और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, आप यहीं से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप पहले से ID और पासवर्ड बना चुके हैं तो वही ID और पासवर्ड से आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में ID और पासवर्ड बनाने का तरीका नहीं बताऊंगा। यदि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट आ रहा है तो उस पर भी आपको वीडियोज मिल जाएगी, आप नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ID बनाकर भी दिखाइए। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन करके बताता हूँ कि कैसे आपको टिकट चेक करना है और कैसे बुक करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना ID डाल दीजिए और इसको लॉगिन करना है। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ। कैप्चा कोड बिल्कुल सही फिलअप होना चाहिए, अन्यथा ये टिकट बुक नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिजर्वेशन टिकट है, 4 मंथ पहले सुबह 8 बजे ओपन होता है, यानी कि आप ठीक 8 बजे यदि टिकट बुक करते हैं तो आपको टिकट मिलने का चांसेज बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे वेरीफाई यूज़र हो रहा है। यहाँ लॉगिन हो जाने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको ट्रेन सर्च पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस फर्स्ट वाले आइकन पर आप आ जाइए, यहाँ पे ट्रेन सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही ट्रेन सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बुक टिकट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली बुक टिकट वाले ऑप्शन पर चेक कर सकते हैं। और माई बुकिंग में आप ये चेक कर सकते हैं कि आप कितने बुकिंग किए हैं। तो पहले हमें आपको बुक टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही बुक टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कहां से कहां जाना है ये स्टेशन यहां पर आप सेलेक्ट करिए। इतना तो आपको पता ही होगा। ये स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर डेट सेलेक्ट करिए और यहां पर कोटा आपको कौन सा, तो जो 4 मंथ पहले जो टिकट बुक होता है वो जनरल कोटा से ही बुक होता है, या सीनियर सिटीज़न बुक करना चाहते हैं तो वो। तो चलिए हम यहाँ पे 4 मंथ पहले, यानी कि अभी आज के डेट में करंट में जो डेट है 26 जून है, तो आप यहाँ से ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पर अक्टूबर आ चुका है, जो कि आज 24 अक्टूबर की बुकिंग थी। तो हम यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक, यहाँ पे ट्रेन सारी दिखा दी जाएगी। तो आपको यहाँ पे स्लीपर चाहिए तो स्लीपर लीजिए, यदि AC चाहिए तो AC। तो चलिए हम स्लीपर पर क्लिक करते हैं। तो यदि यहाँ पे सीट अवेलेबल होगी तो यहाँ पे सीट शो हो जाएगा कि कितनी सीट अवेलेबल है। जैसे ही आप स्लीपर पर क्लिक करेंगे तो कितनी सीट अवेलेबल है यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करना है और आपको यहीं पर अमाउंट तो हो जाएगा कि कितना अमाउंट लग रहा है। तो चलिए हम सीधे पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करते हैं, एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर, यदि आप पहले से कोई नेम सेट किए हुए होंगे मास्टर लिस्ट में तो ऑलरेडी यहाँ पर दिखाने लगेगा, अन्यथा आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर अपना नेम सर्च कर लीजिए, डाल दीजिए। उसके बाद एज यहाँ पर सेलेक्ट करिए, मेल पर क्लिक करिए या मेल फीमेल जो भी हो अपना सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप यहाँ पे यदि कोई चाहते हैं कि आपको लोअर बर्थ मिले या साइड लोअर मिले तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बार देख लीजिए नीचे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल शो होगा। उसके बाद यहाँ पर यदि UPI के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक करिए,
अन्यथा आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करिए। हम तो आपको सजेशन देंगे कि यूपीआई पर क्लिक करिए, यूपीआई पर चार्ज कम लगता है और जल्द ही पेमेंट हो जाता है। जितना कम समय में आप पेमेंट करेंगे उतने जल्द से जल्द आपको सीट मिलने की चांसेज ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद प्रीव्यू जर्नी पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू जर्नी पर क्लिक करेंगे तो एक बार दोबारा से कैप्चा लोडिंग होगा और यहाँ पर प्रीव्यू आपको पूरा डिटेल शो होगा कि कहाँ से कहाँ जाना है, सारी चीज़ें आपको एक बार दिख जाएगी। यदि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालिए और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे प्रोसीड टू पे पर हम क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करिए और आपको यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट्स मिल जाएंगे। आपके यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट्स मिल जाएंगे तो आप भीम यूपीआई और ऑप्शन से सेलेक्ट करते हैं तो आपका पेमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। अन्यथा यहाँ पे फोन पे, गूगल पे, जिस भी पेमेंट मोड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। तो भीम यूपीआई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे पे पर क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, अपना पेटीएम नंबर या यूपीआई आईडी डाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं और आपका यहीं पर अमाउंट सक्सेस हो जाएगा और आपको टिकट बुक हो जाएगा। बुक होते ही आपके मेल पर टिकट आ जाएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यदि इसको और बारीकी से आप जानना चाहते हैं आईडी बनाने से लेकर के टिकट बुक करने तक तो वो भी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी एक अलग से सेपरेट वीडियो में। यदि इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए ताकि आने वाले सेकंड वीडियो में आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट्स आपको बिल्कुल मिले, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेकर के आईडी बनाने तक सारा कुछ क्लियर आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।